नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको क्रिया के बारे में बहुत विस्तार से बताने वाली हूँ, क्योंकि ये प्रश्न निबंधात्मक रूप में भी आता है और उसमें से छोटे छोटे टुकड़े लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी आते हैं। तो मैं आपको क्रिया का पूरा मतलब शुरू से लेके अब से लेके क्षत्रज्ञ तक पूरा का पूरा मैं आपको क्रिया के बारे में बताने जा रही हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और बीच बीच में जहां भी कोई तथ्यात्मक बात आएगी वहां मैं बहुत अच्छी तरीके से उदाहरण देके स्पष्ट करूंगी, और फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। वीडियो में हम आगे बढ़े उसके पहले मैं आपसे निवेदन कर लूं कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो यदि पसंद आए तो अंत में जाकर उसको शेयर अवश्य करना। तो पढ़ते हैं क्रिया। क्रिया वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द है जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। हमें सब मालूम है कोई काम कर, जैसे मैं बोल रही हूँ ये क्या है, क्रिया है ना। मैं लिख रही हूँ तो ये क्या है, क्रिया है। मतलब किसी काम का जब होना पाया जाता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं, और क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता। जो क्रिया करता है उसको कर्ता कहते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी का क्या मतलब है, मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ। विकारी का मतलब होता है जिसमें लिंग वचन काल के कारण परिवर्तन आ जाए, उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। तो क्रिया में लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाता है। जैसे अब लड़की है तो वो खाना खाती है, और लड़का है तो वो खाना खाता है। तो इस तरीके से क्रिया एक विकारी शब्द है जिसका अर्थ होता है काम करना या काम होना। किसी भी वाक्य में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ध्यान रखो लिंग वचन काल के अनुसार ही आपको क्रिया लगानी है, क्योंकि उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। क्रिया की उत्पत्ति धातु शब्दों से मानी गई है। मूल धातु शब्द में जब हम ना लगा देते हैं, ना प्रत्यय लगा देते हैं, तो वो सामान्य क्रिया बन जाती है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे विक्रम पढ़ता है, शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे, महेश क्रिकेट खेल रहा है। अब इन तीनों वाक्यों में हम देखते हैं क्रिया क्या है। प्रथम वाक्य में हमने बोला है कि विक्रम पढ़ता है, यानी कि विक्रम द्वारा पढ़ाई करने का काम किया जा रहा है। अतः इस वाक्य में जो पढ़ता है वो क्रिया पद है। क्लियर, समझ में आ गया। दूसरा जो वाक्य है आपका, दूसरे वाक्य में आपको स्पष्ट रूप से तो कोई क्रिया नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन काम तो हुआ है कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना था, कोई काम तो हुआ है। अतः इस वाक्य में जो थे है वो क्रिया है, इसको हम सहायक क्रिया कहेंगे, और प्रधानमंत्री इसका पूरक है। तीसरे वाक्य में महेश द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, अतः क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है। इस वाक्य में जो खेल रहा है यह है क्रिया पद है। क्लियर, तो जहां तक मेरा ख्याल है आपको क्रिया किसे कहते हैं, और क्रिया को उदाहरण के द्वारा यदि आपको समझाना पड़े तो आप क्रिया पद को छांट लेंगे। जैसे आपको यह प्रश्न आ जाए कि नीचे कुछ वाक्य दे रखे हैं और आपसे कहा जाए कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया पद छांटिए, तो आप आराम से क्रिया पद छांट लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। क्रिया कितने प्रकार की होती है, मतलब क्रिया के जो प्रकार होते हैं, क्रिया का जो वर्गीकरण होता है वो तीन आधारों पर किया जाता है। एक तो कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण किया जाता है, दूसरा प्रयोग या रचना संरचना के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण किया जाता है, और तीसरा काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण किया जाता है। मैं आपको बता दूं इसमें से कर्म और रचना के आधार पर जो क्रिया के प्रकार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें से भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कर्म के आधार पर बहुत प्रश्न आता है। इसमें से कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण, आइए इसको पढ़ते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है ये देखना पड़ता है, कि जो क्रिया है वो किसको प्रभावित कर रही है, उस वाक्य में किस पर उसका असर पड़ रहा है। इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार पर क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर हम क्रिया के दो भेद मानते हैं, दो प्रकार मानते हैं, एक है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। आइए पहले देखते हैं सकर्मक किसे कहते हैं। सकर्मक, पहले शब्द की रचना पर ध्यान दीजिए, स प्लस कर्मक, स मतलब सहित, और कर्मक मानी काम का है, काम के, जो क्रिया के है, मतलब जो क्रिया के सहित है, उस शब्द को हम सकर्मक कहते हैं। ध्यान से देखो जरा, सकर्मक शब्द सैव और कर्मक से मिलकर बना है, है ना। जहां सैव उपसर्ग का अर्थ साथ में है और कर्मक का मतलब है कर्म के, यानी कि कर्म के साथ में। तो वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर नहीं पड़ता बल्कि कर्म पर पड़ता है, उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया के लिए कोई प्रयास किया जाता है, मतलब कोई भी काम अपने आप नहीं हो जाता है, जो करता है वो कोई ना कोई प्रयास कर रहा है। जैसे मैं खाना खा रही हूँ या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं कुछ प्रयास कर रही हूँ भाई, मैं कुछ बोल रही हूँ, कुछ समझा रही हूँ, कुछ प्रयास
कर रही हूं। कर्म ना दिखे तो भी यदि कर्म की संभावना बनी हुई है तो हम उसको सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे मैं खाती हूं, अब इसमें संभावना तो है, क्या खाती हूं भाई, कुछ तो खाती हूं ना, रोटी खा रही हूं, सब्जी खा रही हूं, फल खा रही हूं, कोई संभावना तो है। तो यह चाहे कर्म दिखे नहीं पर कर्म की संभावना है, इसलिए हम इसको सकर्मक क्रिया कहेंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अर्थात सकर्मक क्रिया का अर्थ कर्म के साथ में होता है, अर्थात सकर्मक क्रिया में कर्म पाया जाता है। आसान भाषा में यदि मैं आपको समझाना चाहूं तो वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म का होना आवश्यक होता है, अर्थात बिना कर्म के वाक्य का संपूर्ण भाव प्रकट नहीं होता, वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। आइए थोड़ा उदाहरण से इसको समझते हैं। हमने एक नया मकान बनाया, ठीक है, हमने एक नया मकान बनाया, क्रिया क्या है, बनाया। अब बनाए का प्रभाव किस पर पड़ा, मकान पर, हमने पे नहीं पड़ा, मकान पर पड़ा। वह मुझे अपना भाई मानती है, राधा खाना बनाती है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है ना, एक में तो एक कर्म होता है, इसे हम एक कर्मक कहते हैं, और दूसरा द्विकर्मक, जिसमें दो कर्म भी हो जाते हैं। तो एक कर्मक, हमने एक नया मकान बनाया, इसमें एक ही कर्म है ना, मकान एक ही कर्म है। लेकिन हमने मोहन को एक नया मकान दिया, इसमें दो कर्म है, क्योंकि दो जगह पे प्रभाव पड़ रहा है, मोहन पे भी प्रभाव पड़ा क्योंकि उसको नया मकान मिल गया, और मकान पे भी प्रभाव पड़ गया क्योंकि मकान अब मेरा नहीं है, किसी और को दे दिया। तो मकान और मोहन ये दोनों इसकी दो कर्म है, इसी इसको द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। विशेषकर इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि द्विकर्मक जो क्रिया होती है उसमें जो मुख्य कर्म और गौण कर्म दो कर्म होते हैं, जो क्रिया पर क्रमशः क्या और किसको, ये प्रश्न करो आप। सकर्मक क्रिया की सबसे बड़ी पहचान है कि जो क्रिया है उस क्रिया पर आप क्या और किसको लगाकर यदि प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर आता है, यदि निर्जीव उत्तर आया है तो वो हमारा मुख्य कर्म है, और यदि सजीव उत्तर आया है तो वो हमारा गौण कर्म है। जैसे आपने कहा हमने मोहन को एक मकान दिया, तो हमने क्या दिया, मकान दिया, ये इसकी मुख्य क्रिया, मुख्य कर्म हो गया, और किसको दिया, मोहन को दिया, ये इसका गौण कर्म हो गया। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, अकर्मक क्रिया। अकर्मक, अकर्मक, आ मानी नहीं, बिना, कर्मक मानी कर्म के, जो बिना कर्म के जो क्रिया होती है उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें आ उपसर्ग है, ध्यान रखिए। अकर्मक क्रिया का अर्थ कर्म के बिना होता है, अर्थात अकर्मक क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता। इस प्रकार वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता, उन्हें हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखो उदाहरण देखो, रमेश दौड़ रहा है, अब दौड़ रहा क्रिया हो रही है, लेकिन इस दौड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, रमेश, कर्ता कौन है, रमेश, तो कर्ता पर प्रभाव पड़ा, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। और दूसरी बात जो मैंने अभी आपको बताई, क्या लगाओ, रमेश क्या दौड़ रहा है, ना कोई उत्तर नहीं आएगा, कोई निर्जीव संज्ञा आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। मैं एक अध्यापक था, वह मेरा मित्र है, तो इस तरीके से आप अकर्मक क्रिया के उदाहरण बता सकते हैं। अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर देखो आप। अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर समझने के लिए क्रिया पर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्या प्रश्न करके देखना चाहिए। यदि प्रश्न के उत्तर में कोई निर्जीव संज्ञा प्राप्त होती है तो वह संज्ञा उस क्रिया की कर्म कही जाती है, और जो क्रिया वाक्य में कर्म के प्रयोग की आवश्यकता अनुभव करती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया पर क्या से प्रश्न करने पर उत्तर में कोई संज्ञा प्राप्त नहीं होती है, अर्थात अकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती। उदाहरण के लिए बच्चा पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया पर क्या से प्रश्न करूं, क्या लिख रहा है, उत्तर में कोई ना कोई निर्जीव संज्ञा अवश्य आएगी, पत्र, निबंध, कहानी, है ना, यह संज्ञा ही लिखना क्रिया का कर्म है, अतः लिखना सकर्मक क्रिया होगी। जबकि बच्चा सो रहा है, अब वाक्य में आप क्या लगा के प्रश्न करो, है कि तो यदि आप प्रश्न करेंगे तो कोई कर्म की संभावना ही नहीं बनती, अतः सोना क्रिया जो कर्म है उस जो क्रिया है उसमें कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है, यह अकर्मक क्रिया है। तो वाक्य में प्रयुक्त हर संज्ञा को देखकर एक बात का और ध्यान रखो, ये नहीं कि कोई भी हमने संज्ञा देख ली और हम फट कहते हैं कि ये तो भाई कर्म है और ये सकर्मक क्रिया है, नहीं। उदाहरण से समझो, बच्चा घर जा रहा है, हम दिल्ली पहुंच रहे हैं, इन वाक्यों में घर और दिल्ली संज्ञाएं कर्म नहीं है, संज्ञा तो है ये पर ये कर्म नहीं है, बल्कि ये स्थानवाची क्रिया विशेषण है, तथा जाना पहुंचना क्रियाएं अकर्मक क्रिया है, क्योंकि प्रश्न ये थोड़ी बनता है बच्चा क्या जा रहा है,
है ना, बच्चे है या क्या जा रहा है, नहीं आप आ रहा ना उत्तर, क्योंकि इन पर हम क्या जा रहा है या क्या पहुंच रहा है जैसे प्रश्न नहीं कर सकते। क्लियर? तो आपको कर्म के आधार पर क्रिया अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब हम पढ़ते हैं आगे प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के कई भेद किए जा सकते हैं। मैं कुछ प्रमुख भेदों को आपके सामने रखूंगी जो ज्यादातर आपके परीक्षाओं में आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मूल क्रिया या सरल क्रिया। वे क्रिया जो भाषा में रूढ़ शब्दों की तरह प्रचलित होती है, रूढ़ का जिनका परंपरा से प्रयोग चलता आ रहा है उन्हें रूढ़ कहते हैं। सरल क्रिया कही जाती है उन्हें मूल क्रिया भी कहा जाता है, जैसे आना जाना, पढ़ना लिखना, खाना और पीना। क्लियर? समझ आ गया? दूसरे प्रकार की जो क्रिया है वो है संयुक्त क्रिया। नाम से मालूम पड़ा, संयुक्त, कुछ मिल रहा है आपस में। संयुक्त क्रिया में दो धातुओं का योग होता है, जैसे गाड़ी चल दी। अब इसमें देखो चल दी है ना, तो ये दो धातुओं का योग हो रहा है, लेकिन देखो अर्थ एक ही निकल रहा है। इस वाक्य का अर्थ ये नहीं है कि पहले गाड़ी चली और फिर किसी को गाड़ी दी, यानी चल दी ना, अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों एक ही हैं। दोनों का अर्थ एक ही है कि गाड़ी चली, गाड़ी चलने लगी। ठीक है, इसका अर्थ ये ही आएगा। आगे देखो, बच्चा आ गया का अर्थ यह नहीं है कि पहले वे आया फिर गया, बच्चा आ गया, तो आ अलग और गया अलग नहीं है, बल्कि बच्चा आ गया ये एक ही क्रिया, धातु तो दो हैं, मिल गई, इसलिए इसको संयुक्त कह दिया, लेकिन इनका अर्थ एक ही निकल रहा है कि बच्चा आ गया है, आ पहुंचा है, यहां पर आ गया है। क्लियर? यानी कि जो संयुक्त क्रिया की जो पहली क्रिया है ना, बस उसी का ही अर्थ यहां पर लिया जाता है। प्रश्न उठता है कि संयुक्त क्रिया में दूसरी क्रिया फिर क्या काम करती है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है ना, वस्तुतः दूसरी क्रिया अपने अर्थ को छोड़ देती है और पहली क्रिया के अर्थ में तरह तरह के रंग भरने का कार्य करती है, इसको हम रंजक क्रिया भी कहते हैं। और संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है तथा दूसरी क्रिया जो होती है वो सहायक क्रिया होती है, जो मुख्य क्रिया में विशेषता पैदा कर देती है। एक कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। मैंने किताब खरीद ली। अब खरीद और ली ये अलग अलग नहीं है, खरीदने को ही इसको विशेषता पैदा कर रही है, खरीद ली, ठीक है ना, ये सहायक क्रिया है। मोहन घर आ गया है, वही आ गया, संयुक्त क्रिया है। आप बाहर निकल जाइए, निकल और जाइए दोनों मिलकर एक ही अर्थ निकाल रहे हैं, निकल जाना। और बादल घिर आए हैं, घिर आए, दोनों का एक ही अर्थ है कि बादल आ गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं मिश्र क्रिया। मिश्र क्रिया किसे कहते हैं? मिश्र का मतलब भी क्या होता है? मिला हुआ। पर बहुत ध्यान देना, संयुक्त क्रिया और मिश्र क्रिया में बारीक सा अंतर है। आपने देखा कि संयुक्त क्रिया की रचना दो क्रिया के धातुओं के मिलने से होती है, परंतु मिश्र क्रिया में पहला अंश तो संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण का होता है और जो दूसरा अंश होता है ना वो क्रिया, क्रिया वाले अंश को ही क्रियाकर कहा जाता है। सहायक क्रिया के प्रत्यय क्रियाकर्म में लगते हैं और वो मिश्र क्रिया बन जाती है। देखो उदाहरण देखते हैं अपन थोड़ा सा, जैसे संज्ञा शब्द से कैसे मिश्र क्रिया बनती है। जैसे शब्द है स्मरण, स्मरण करना, प्यार, प्यार करना, दर्शन, दर्शन करना, कष्ट, कष्ट देना, रिश्वत लेना, दान देना, गोता मारना, याद आना, भूख लगना, जान जाना। क्लियर? ये सब क्या थे? संज्ञा शब्द और उनमें हमने दूसरी जोड़ उसका क्रिया जो है क्रिया कर जोड़ के और मिश्र क्रिया बना ली। विशेषण शब्द में देखो जोड़ा हमने, अच्छा विशेषण है ना, अच्छा लगना, सुंदर विशेषण है सुंदर दिखना, प्यारा विशेषण है प्यारा लगना, काला विशेषण है काला करना। क्लियर? क्रिया विशेषण को देखो, भीतर क्रिया विशेषण है भीतर करना, बाहर क्रिया विशेषण है बाहर आना या बाहर करना। क्लियर? तो मिश्र क्रिया संयुक्त क्रिया में क्या अंतर आया देखो जरा। आपने देखा बहुत अच्छे से देखा ऊपर कि संयुक्त क्रिया की रचना दो क्रिया धातुओं से मिलकर होती है, परंतु मिश्र क्रिया में पहला शब्द संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण का होता है और दूसरा शब्द क्रिया का होता है। बिल्कुल स्पष्ट अंतर समझ में आ गया, उसमें दोनों धातु होते हैं और मिश्र क्रिया में दोनों धातु नहीं होते। पहला संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण होता है पहला शब्द और दूसरा क्रिया होता है। अब देखिए समस्त क्रिया, समस्त क्रिया कैसे कहते हैं? आपने समास में यह शब्द बहुत सुना होगा, समस्त पद बनाइए, दो शब्दों को मिला के जो बना देते हैं उनको हम समस्त पद कहते हैं। तो समस्त धातुएं दो क्रिया धातु के योग से बनती हैं। दोनों क्रियाओं का समास हो जाने के कारण ही इस क्रिया को हम समस्त क्रिया कहते हैं। समस्त क्रिया रूपों में दोनों ही धातुओं का अर्थ बना रहता है। आप देखो ध्यान देखना, जब आपने संयुक्त क्रिया पढ़ी थी ना तब भी आपने ये चीज पढ़ी थी कि उसमें दो धातुओं का मिलन होता है, लेकिन उनमें दो अलग अलग अर्थ नहीं होते,
उनमें जो पहली क्रिया है, पहली जो धातु है, उसी का अर्थ दूसरी क्रिया भी ग्रहण कर लेती है। पर समस्त क्रिया में दोनों के अर्थ होते हैं, दो क्रियाएं आएंगी और दोनों के अर्थ होते हैं। जैसे देखो, उदाहरण देखो, वह आजकल लिख पढ़ नहीं रहा है, यानी ना तो लिख रहा है और ना पढ़ रहा है, दोनों क्रियाओं के अपने अपने अर्थ हैं। मैं अब चल फिर सकता हूं, यानी कि मैं चल भी सकता हूं और फिर भी सकता हूं। वह उठ बैठ सकती है, यानी कि वो उठ भी सकती है और बैठ भी सकती है। तो है दोनों धातुएं, दोनों धातुओं को मिलकर एक समस्त पद बन गया, पर दोनों के अर्थ अलग अलग है। संयुक्त क्रिया में दोनों के अर्थ अलग अलग नहीं थे। इन वाक्यों में दोनों ही धातुएं लिखना पढ़ना, मैं और समझा दूं आपको कि लिखना और पढ़ना, चलना तथा फिरना, उठना और बैठना के अर्थ बने रहते हैं अलग अलग। वाक्य एक का अर्थ है कि ना तो वह लिख सकता है और ना वह पढ़ सकता है, और वाक्य दो का अर्थ है कि मैं चल भी सकता हूं और मैं फिर भी सकता हूं। देखो फिर एक बार मैं आपको समझा दूं कि समस्त क्रिया और संयुक्त क्रिया में क्या अंतर है। समस्त क्रिया भी दो धातुओं से मिलकर बनती है, परंतु समस्त क्रिया से विपरीत संयुक्त क्रिया का मुख्य अर्थ केवल पहली क्रिया के द्वारा ही लगाया देता है। जैसे चल देना, अब यहां चल और देना का अलग अलग अर्थ नहीं है। चल देना का मतलब है चला जाना, आ जाना, यहां आ और जाना दोनों अलग अलग नहीं है। आ जाना का मतलब है आना, ठीक है ना। कर लेना, कर और लेना का मतलब अलग अलग नहीं है, एक ही मतलब है करना। ये क्रिया रूप क्रमशः चल देना, आ जाना, कर लेना के संयुक्त से बने। इस प्रकार संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया ही पूरे पद का अर्थ बताती है और दूसरी क्रिया नहीं, जबकि समस्त क्रिया में दोनों रूप, जो दोनों धातु हैं, उन दोनों का ही अर्थ बना रहता है। क्लियर, समझ में आ गया? बहुत ही बारीक से अंतर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आ रहा होगा जब आप इनको दो दो तीन तीन बार पढ़ेंगे ना, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नाम धातु क्रिया। ये नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती हैं, वे नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। नाम धातुओं से बनने के वाली क्रिया को ही हम नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे अब जैसे संज्ञा, मैंने क्या बोला है आपको कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगाया जाता है। अब जैसे संज्ञा शब्द शर्म, टक्कर, दुख, चपत, लाज, फिल्म, झूठ, फटकार, इनसे बन गया। शर्म से शर्माना, टक्कर से टकराना, दुख से दुखना, चपत से चपतियाना, बात से बतियाना, लाज से लजियाना, फिल्म से फिल्माना, झूठ से झुटलाना और फटकार से फटकारना। क्लियर बन गया। अब आगे देखो आप, विशेषण, गर्म विशेषण है ना, और लंगड़ा भी विशेषण है। गर्म से बन गया गर्माना और लंगड़ा से बन गया लंगड़ाना, ठीक है। तो ये नाम धातु क्रिया। आगे देखो, सर्वनाम से भी मैंने आपको बताया, सर्वनाम से भी जैसे अपना है ना, अब बन गया अपना, अपनाना, ये क्रिया बन गई। क्लियर, तो नाम धातु क्रिया आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं आगे, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। नाम से मालूम पड़ा प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि क्रिया करने की प्रेरणा मिल रही है कहीं से, कर नहीं रहा है कर्ता, बल्कि वो प्रेरणा दे रहा है। मतलब कर्ता कोई और है और कोई और उसको करने की प्रेरणा दे रहा है। जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन ना कर किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करे या उससे काम करवाए, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, सरपंच ने खुद ने नहीं बनवाया, सरपंच ने बनवाया, कोई मजदूर थे, उन मजदूरों ने वो तालाब बनाया। इसमें सरपंच ने स्वयं काम नहीं किया है, बल्कि अन्य लोगों के उसने प्रेरित किया है। अब वो प्रेरित चाहे कैसे भी किया, पैसा देके किया, उनको मोटिवेट किया, उनको मेहनताना दिया, ठीक है ना, उनको प्रेरित किया और उन्होंने तालाब बनाया। तो यहां पर जो तालाब का निर्माण करवाया है ना, ये क्या हो गया, तालाब बनवाया, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। क्लियर। अब देखिए पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं हो रही हैं और उसमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले समाप्त हो गई, तो पहले संपन्न होने वाली जो क्रिया है वो पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। और हम खूब इसका प्रयोग करते हैं। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो पूर्णकालिक क्रिया होती है ना, ये अव्यय की तरह, क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग में ली जाती हैं। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को हम पूर्णकालिक क्रिया बना सकते हैं। जैसे बलवीर खेल कर पढ़ने बैठेगा, खेल कर, यानी एक क्रिया पहले खत्म हो जाएगी फिर दूसरी क्रिया शुरू होगी। वह पढ़कर सो गया, पहले एक क्रिया खत्म हो गई पढ़ने की, फिर वह सो गया। तो जो काम पहले खत्म हो गया उसको हम पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। क्लियर। इन वाक्यों में खेल मूल धातु है, कर एवं पढ़कर, या पढ़ मूल धातु है, कर पूर्णकालिक क्रिया कहलाएगी। पूर्णकालिक क्रिया का एक रूप तत्कालिक क्रिया भी है
इसका एक रूप मतलब इसको भी समझो आप, तात्कालिक क्रिया किसे कहते हैं। छोटी छोटी चीज है बेटा, हिंदी बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है और जब आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हो तो पढ़ने में मजा भी बहुत आता है क्योंकि चीजें समझ में आ जाती हैं। तो हिंदी आपको कठिन कब लगती है? जब आपको चीजें समझ में नहीं आती है। और मैं आपको एक एक छोटी छोटी चीज समझा रही हूँ, जहां तक मेरा ख्याल है आप अपने आप से पूछना आपको पहले किसी ने भी इस तरीके से छोटी छोटी चीजें नहीं समझाई होंगी। तो देखो आप कि ये तात्कालिक क्रिया क्या है, इसमें एक क्रिया के तत्काल बाद दूसरी क्रिया होती है, जस्ट उसके बाद ही है ना, और धातु के साथ ते लगा दिया जाता है। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया, आते ही मतलब क्रिया आई, क्रिया हुई, पहली क्रिया हुई तो तात्कालिक क्रिया हो गई, जस्ट इसके बाद ही होती। अब देखो जो पहले अपन ने पढ़ा था ना कि बलबीर खेल कर पढ़ने बैठा, तो उसमें जरूरी नहीं है कि खेलने के जस्ट बाद ही वो पढ़ने बैठेगा या पढ़कर सो गया, पढ़ते ही ऐसा नहीं है कि पढ़ के पढ़ने का काम खत्म करते ही सो गया, वो तो है पूर्णकालिक क्रिया। और तात्कालिक क्रिया क्या है कि उस काम के खत्म होते ही दूसरा काम शुरू हो जाए, तो पहली क्रिया में ते लग जाता है, समझ गए। पूर्णकालिक क्रिया का एक रूप इस तरीके से हमने तात्कालिक क्रिया के रूप में भी देखा। अब हम देखते हैं कृदंत क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया शब्दों से जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं, है ना। हमने मालूम है धातु में कृत मतलब प्रत्यय जोड़ के और क्रिया बनाई जाती है, तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। तो क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय के योग से बने जो क्रिया कृदंत शब्द होते हैं वो क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे चल से चलना, चलता, चलकर, शब्द क्या है मूल चल, पर उसमें हमने क्या 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 प्रत्यय जोड़ दिया, ना चलना, ता चलता, कर चलकर, ऐसे लिख से लिखना, लिखता, लिखकर। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, ये कृदंत क्रिया है। अब मैं आपको एक और बता देती हूँ जो भी कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है एग्जाम में कि ये समापिका और असमापिका क्रिया क्या होती है। नाम समान पड़ा, समापिका जो समाप्त हो गई, जो वाक्य को समाप्त कर रही है ना, और असमापिका जो अभी समाप्त नहीं हुई है। देखो बहुत प्यारा सा उदाहरण है इसका कि बहता हुआ पानी अच्छा होता है, और बहता हुआ ये क्या है, असमापिका क्रिया है, क्योंकि पानी क्या हो रहा है, बह रहा है, और अच्छा होता है यानी कि वाक्य समाप्त हो गया है, ये समापिका क्रिया है। तो इस प्रकार मैंने आपको रचना के आधार पर विभिन्न क्रियाएं बताई हैं, और वो क्रियाएं बताने की कोशिश की है संक्षेप में जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से। निबंधात्मक प्रश्न आए सब मिला के लिख दीजिए, और यदि छोटी छोटी बातें आए तो आप जैसे समस्त क्रिया और संयुक्त क्रिया में क्या फर्क है, संयुक्त क्रिया और मिश्र क्रिया में क्या अंतर है, सकर्मक और आक्रमक क्रिया में क्या अंतर है, छोटे छोटे प्रश्न आए तो छोटे छोटे उत्तर लिख दीजिए लघु उत्तरात्मक के रूप में, और निबंधात्मक आ जाए तो सारा डिटेल लिख दीजिए। एक तीसरा वर्गीकरण और होता है क्रिया का, काल के आधार पर, वही भूतकाल है ना आपने पढ़ा है, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो काल के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। क्लियर, आप इशारे से समझ गए होंगे। भूतकालिक क्रिया क्रिया का वह रूप है जिसके द्वारा बीते गए समय में कार्य का होना पाया जाता है। जैसे वह विदेश चला गया, विकास ने पुस्तक पढ़ ली थी, रमेश सुबह ही चला गया। भूतकालिक क्रिया के भी कुछ भेद बताए जाते हैं। सामान्य भूतकालिक क्रिया बेटा थोड़ा सा यदि आपको याद आ रहा हो ना तो आपने इंग्लिश में टेंसेस पढ़े हैं, पढ़े हैं ना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, और उनमें हर टेंस के अपने चार चार भाग देखे हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यू, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू। कुछ उसी तरीके के भेद यहां पर है। देखो सामान्य भूतकालिक क्रिया पढ़ते हो ना, इंडेफिनेट और सिंपल टेंस पढ़ते हो ना, और आसन्न भूतकालिक क्रिया, पूर्ण भूतकालिक क्रिया, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया और हेतु हेतुवत भूतकालिक क्रिया। बस यहां अपन संक्षिप्त में देखेंगे कि यूं, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर निबंधात्मक प्रश्न आ जाए तो आपको ये बता देना चाहिए। वर्तमानकालिक क्रिया क्रिया का वह रूप है जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे रमेश खाना खा रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, ठीक है ना, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूं, जैसे आप सुन रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये वर्तमान में काम हो रहा है। वर्तमानकालिक क्रिया के भी कुछ भेद होते हैं, है ना, वही वो याद आ रहा है टेंसेस का, इंडेफिनेट कंटिन्यू, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यू, सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया, अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया, संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया, आज्ञार्थक वर्तमानकालिक क्रिया और संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया। तीसरे प्रकार की भविष्यकालिक क्रिया, वे क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा भविष्य में होने वाले काम का बोध हो। जैसा आपका एग्जाम होगा,
ठीक है ना। उदाहरण, दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, वह कल जयपुर जाएगा, रमेश अगले सप्ताह घर आएगा। भविष्यकालिक क्रिया के भी भेद होते हैं, सामान्य भविष्यकालिक क्रिया, आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया और संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। इनकी मैंने आपको डिटेल इसलिए नहीं बताई है क्योंकि एग्जाम में जो काल्स के आधार पर वर्गीकरण है वो ज्यादा नहीं आता है, ज्यादा आता है या तो कर्म के आधार पर आएगा या संरचना के आधार पर आएगा। समय समय पर बेटा व्याकरण के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदलता जा रहा है, तो मैं आपको वही चीज बता रही हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक हिंदी का विद्यार्थी होने के कारण और व्याकरण को पढ़ने के हेतु हमको ये मालूम होना चाहिए कि क्रिया का के भेद काल के आधार पर भी किए जा सकते हैं। क्लियर। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पत्र दे रही हूँ, जांच पत्र दे रही हूँ। आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तब मुझे लगेगा कि आपने वाकई मेरी बात को सुना है और मेरे वीडियो को समझा है। देखिए किस किस के कमेंट्स आते हैं, और बिल्कुल चिंता मत करना सही या गलत, यदि बाय चांस गलत भी होते हैं तो मैं उनको सही करूंगी, और सही होंगे तो है ही है, क्योंकि एक बार आप दोबारा रिवाइज कर लीजिए, मैं कहीं अलग से तो प्रश्न बना नहीं रही। ठीक है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है वे शब्द कहलाते हैं, कर्ता कर्म क्रिया, तीनों में से कोई आपको एक छांटना है। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं कर्म धातु या कर्ता, आपको तीनों में से कोई एक छांटना है। जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा रखती हैं वे कहलाती हैं सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, आपको दोनों में से कोई एक छांटना है। जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा नहीं रखती वे कहलाती हैं, आपको दोनों में से कोई एक छांटना है। भूतकालिक क्रिया किसे कहते हैं, मैंने बताया है आपको। समस्त क्रिया और संयुक्त क्रिया में क्या अंतर है, एक एक लाइन में अंतर बता देना ज्यादा नहीं, और मिश्र क्रिया और संयुक्त क्रिया में अंतर स्पष्ट करो, या तो आप एक एक उदाहरण दे देना तो मुझको समझ में आ जाएगा कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं। तो आज हम अपने क्रिया वाला जो पाठ है उसको हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन मैं आपको क्रिया से संबंधित कुछ छोटे छोटे पाठ और दूंगी, है ना, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे प्रेरणा तक क्रिया, संयुक्त क्रिया में क्या अंतर है, इस तरीके का दूंगी। एक सकर्मक और अकर्मक क्रिया का अंतर इसमें भी मैं आपको अलग से दूंगी। एक आपने पढ़ा होगा मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया में क्या अंतर है, इसमें भी मैं अलग से अलग तीन तीन पार्ट अलग अलग से दूंगी। क्लियर बेटा। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।